तरफ से यहाँ पर फाइट इनिशिएट होता हुआ, पहला जो नॉकआउट है वो किया जाएगा गॉड लाइक के द्वारा, लेकिन जो कैजुअल्टी बन सकते हैं वो है रेगल्टॉस। कंप्लीटली ओपन एरिया में उनको नॉकआउट किया गया है। नियो पुलिंग ऑफ अ वेरी वेरी अमेजिंग यू नो नॉक हियर, और यहाँ पर खतरा ये है कि रेगल्टॉस यहाँ पर ड्रॉप उठाने गए थे। एक कॉम्पिटेटिव लॉबी में ड्रॉप उठाना कितना रिस्की होता है वो हमें यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। डेथ नोट फिलहाल के लिए अपने बगी लेके स्लैम इन करते हैं, एंड घातक भी यहाँ पर अपने साथियों का साथ देने के लिए आ चुके हैं कि सोल को यहां से निकलने का मौका नहीं देने वाले। M4 के साथ साथ एक इनका कॉम्बिनेशन आने वाला है। घातक भाई का जो फ्लैंक है वो बहुत बहुत ज्यादा काम आ सकता है। M4 के साथ साथ प्ले करने के रेगल टॉस रिवाइव हुए ही थे कि उनको कंप्लीटली फ्लश आउट किया जाएगा। घातक कमिंग इन नाउ ऑन डे टू, पहला जो किल है वो लिया जाएगा एंड इमीडिएटली डेथ नोट को भी नॉकआउट किया जाता है। दैट्स नॉट जस्ट वन, दैट्स अ सेकंड कैजुअलिटी जो कि टीम सोल गवा सकती है यहां पर। पहले ही मैप में डे टू में आकर सोल दे आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। देखिए पहले तो 10 से ज्यादा मिनट का इंतजार करना पड़ा, और जब पहली फाइट हमें देखने को मिलती है काफी मच अवेटेड टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक, जहां पर पर्णा अभी के लिए टीम गॉडलाइक का भारी पड़ता नजर आ रहा है। डेथ नोट गए जरूर थे, लेकिन घातक भाई का वो जो एक फ्लैंक था वो इंपॉर्टेंट फ्लैंक सही साबित होता नजर आया, क्योंकि उसके बाद ही वहां पर डेथ नोट को भी नॉकआउट किया था। रेगल टॉस जो अभी के लिए रिवाइवल के बिल्कुल एक चांसेस बन गए थे उनके द्वारा, उनके टीममेट के द्वारा, उनको भी नेस्ता नाबूद करते हुए नजर आए यहाँ पर। और शुरुआत फाइनली अच्छी हो चुकी है टीम गॉडलाइक के पास, नंबर्स का एडवांटेज है, बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन एक और टीम का खतरा है क्योंकि राइवलरी भी उनके बीचों बीच उनके आसपास हमें नजर आती हुई। वेल ओरैंगुटान का भी फाइट चालू हो चुका है, आप राइवलरी की बात करेंगे आई थिंक वो इंतजार कर रहे थे, जस्ट वेटिंग की कब जाके मौका मिलेगा, कब जाके मौके का यू नो एक चौका मारने का उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ज़ीगॉट की बात करेंगे फिलहाल के लिए वो आगे रश कर चुके हैं स्पॉर के साथ साथ, एंड वीरू काफी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नजर आ रहे हैं। वीरू के साथ रॉक्स एंड वीरू का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक 2 वर्सेस 4 को भी जिता के जा सकता है, लेकिन आसान नहीं रहेगा बिकॉज राइवल थर्ड पार्टी करने